मिस्र के दौरे के दूसरे दिन आज कायरा में अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मस्जिद में करीब आधा घंटा बिताएंगे। अल हाकिम मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय से भेंट करेंगे पीएम मोदी। बोहरा समुदाय के लिए अहम सांस्कृतिक स्थल है अल हाकिम मस्जिद। आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। डेलीगेशन लेवल की होगी बातचीत। बैठक में कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। पीएम मोदी आज पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के स्मारक हेलियोपोलिस भी जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में 3,799 सैनिकों ने गवाई थी जान। कायरा में पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मिटबोली से मुलाकात की। व्यापार से लेकर आईटी क्षेत्र तक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी बोहरा समाज के भारतीयों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सबके साथ फोटो भी खिंचवाई। दो दिन के दौरे पर शनिवार को पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लोगों ने वंदे मातरम मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के स्वागत में कई लोगों ने भारतीय गीत गाए। एक महिला ने शोले का सुपरहिट गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाया। पीएम मोदी से मुलाकात को मिस्र के लोगों ने बताया यादगार। कहा यह मिस्र के लिए सम्मान की बात। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। ये 26 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। रूस के राष्ट्रपति पर से तख्ता पलट का खतरा चला। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों की वापसी का किया ऐलान। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा रूस के लोगों को खून न बहाना पड़े इसलिए वो अपने इलाके और फील्ड कैंप्स में वापस लौट रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा। राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बीच करवाई जी। सूत्रों के मुताबिक वैगनर सैनिकों की सुरक्षा के बदले प्रिगोजिन विद्रोह खत्म करने को लेकर हुए तैयार। मॉस्को से 360 किलोमीटर पहले विद्रोही वापस लौटे। राष्ट्रपति लुकाशेंको के मुताबिक प्रिगोजिन से पूरे दिन हुई बातचीत। वैगनर ग्रुप ने रूस में और अंदर न जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। वैगनर के विद्रोह पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले विद्रोह करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। पुतिन ने कहा वैगनर चीफ ने महत्वाकांक्षा के वजह से देश को दिया धोखा। विद्रोह कर पीठ में घोंपा छुरा। रूसी सेना ने लोगों को दी सुरक्षा की गारंटी। मॉस्को में वैगनर के लड़ाकों के खिलाफ संभाला मोर्चा। मॉस्को समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवा हो सकती है बंद। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। पटना में विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछा खाली पड़े पदों पर कांग्रेस कोटे के कितने मंत्री बना रहे हैं। राहुल गांधी और सीएम नीतीश की बातचीत का वीडियो सामने आया। राहुल ने पूछा कब बना रहे हैं मंत्री। सीएम नीतीश ने राहुल गांधी से पूछा कितने मंत्री बनवाने हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश से कहा दो बनाने हैं। वीडियो में सीएम नीतीश लालू यादव की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दिए। सीएम नीतीश ने कहा जल्दी बना दीजिए। कांग्रेस और आप में झगड़े पर नई बात आई सामने। राहुल गांधी ने केजरीवाल से अकेले में मिलने से किया इनकार। केजरीवाल ने राहुल से कहा आप एक कप चाय तो पिलाइए। राहुल बोले आप मिलने के लिए इतने बेताब क्यों। शिमला में विपक्ष की बैठक से पहले आप और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। अजय माकन का अटैक बीजेपी से मिले हुए हैं केजरीवाल। अजय माकन बोले जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल मांग रहे हैं समर्थन। भ्रष्टाचार किया है तो सजा काटनी पड़ेगी। आप पर कांग्रेस का पलटवार। कहा अध्यादेश पर संसद में होगी चर्चा। विपक्ष के बीच दरार पैदा करने के लिए केजरीवाल उतावले क्यों। कांग्रेस सांसद उदित राज का बयान 20 दलों में से किसी ने कोई शर्त नहीं रखी। केवल केजरीवाल की पार्टी शर्त रख रही है ये ठीक नहीं है। केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का अटैक। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा बैठक में जितने विपक्षी दल थे सभी ने 2024 में एक साथ लड़ने का संकल्प किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शिमला में बनेगी आगे की रणनीति। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तर्ण नाटक मंडली तैयार हो चुकी है। जनता सबका चेहरा अच्छी तरह पहचानती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने अनुराग ठाकुर से पूछा इन्हीं दलों से जब बीजेपी का गठबंधन हुआ तब ये राजनीतिक दल उनकी नजर में क्या थे। मणिपुर विस्फोट मामले की जांच करेगी एनआईए। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर शनिवार दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक पर बयान जारी कर कहा अगले एक हफ्ते में ऑल पार्टी डेलीगेशन हिंसा प्रभावित इलाके में भेजी जाए। सर्वदलीय बैठक पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा सभी प्रतिनिधियों को सुनने के बाद गृह मंत्री ने विपक्षी दलों के सुझावों पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक इम्फाल में होती। इससे संदेश जाता कि मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर में 300 गिरजाघर जलाए गए 100 से अधिक लोग मारे गए। इसके पीछे केंद्र सरकार की लापरवाही और वैसी का मोदी पर सरकार पर आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज पिछले 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर लेकिन पीएम मोदी को फुर्सत नहीं।
सीएम योगी के नोएडा दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नोएडा ग्रेटर नोएडा को आज देंगे करोड़ों की सौगात। सीएम योगी ने मथुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 20 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बीती रात बदला मौसम का तेवर, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। नोएडा, गाजियाबाद समेत NCR के इलाकों में भी तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मानसून की पहली बारिश से पानी पानी हुई मुंबई, कई जगहों पर हुई वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक पर दिखा असर। बारिश से मुंबई में BMC के दावों की खुली पोल, अंधेरी सुबह में भरा पानी, कई गाड़ियां सुबह में फंसी। ठाणे में भी बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।